हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया रेसिपी सीखने वाले हैं। यह है समोसा सैंडविच। यह बनाना बहुत ही आसान है, खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। यह बच्चे भी इसे काफ़ी पसंद करते हैं। यहाँ हमने प्याज गोलाकार में काट लिया है, टमाटर पतला गोलाकार में काटा है, 3 समोसा, 6 ब्रेड स्लाइसेस, शिमला मिर्च छोटे आकार में काटा है, चिली सॉस, घी रिफाइंड भी लिया जा सकता है इसकी जगह, हरी मिर्च छोटे आकार में काट लिया है, टमेटो सॉस। एक ब्रेड लेंगे, उसमें चिली सॉस फैलाएंगे, उस पर एक समोसा रखेंगे। समोसे को इस तरीके से हाथ से दाब के चपटा कर लेंगे। दूसरा ब्रेड लेंगे, उस पर टमेटो सॉस लगाएंगे, ये ब्रेड इस पर रखने से पहले इस पर कुछ प्याज के टुकड़े रख देते हैं। इस तरीके से 2 पीस टमाटर रख दिया, कुछ शिमला मिर्च डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो हरी मिर्च ना डालें, मैं यहाँ हरी मिर्च डाल रही हूँ। अब इस ब्रेड को इस पे रख के ऐसे हल्का सा इससे दाब देंगे। गैस ऑन कर लेंगे। जब तक तवा गर्म होता है हम दूसरा सैंडविच तैयार करते हैं। उसी तरीके से इस पर चिली सॉस लगाएंगे, वैसा ही सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। यहाँ हमने दूसरा भी तैयार कर लिया है। हमारा तवा गर्म हो चुका है, अब हम तवा पे थोड़ा घी डालेंगे। अब इसे इस पे रख देंगे। अब गैस को कम कर देना है, इसे हमें धीमी आंच पर ही पकाना है। ऊपर वाले ब्रेड में इस तरीके से घी फैला देते हैं। हम ऐसे पलट के देख लेते हैं, अगर ये लाल हो गया है तो इसे पलट देते हैं। इसे एक हाथ से इस तरीके से पकड़ के पलटना होता है ताकि अंदर वाला फिलिंग बाहर ना आ जाए। इसे हम 2 छोलने की सहायता से भी ऐसा कर सकते हैं। इसे हमने पलट लिया, अब इसे पकने देंगे। इसे बनने में 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। यहाँ हमने नॉनस्टिक तवा लिया है, इसे साधारण तवे पर भी बनाया जा सकता है। इसके लिए साधारण तवे को नॉनस्टिक की तरह बनाने के लिए पहले साधारण तवे को चूल्हे पर चढ़ाते हैं, उसे गर्म होने देते हैं। वो जब गर्म हो जाता है उस पर तेल फैलाते हैं, फिर पोंछ लेते हैं, फिर तेल फैलाते हैं, थोड़ा गर्म होने देते हैं, फिर कपड़ा से पोंछ लेते हैं। इसी तरीके से 2 से 3 बार करने पर वह नॉनस्टिक की तरह हो जाता है, उसमें चिपकता नहीं है। अगर डोसा बनाना हो तब भी हम ऐसा ही करते हैं साधारण तवे को। इसे अब हम पलट के देख लेते हैं, ये इधर भी लाल हो चुका है, यानी ये कंप्लीट हो चुका है, ये तैयार हो चुका है। इसे हम धीमा आंच पे ही बनाते हैं, यह ध्यान रखना होता है, तभी यह क्रिस्पी होता है, नहीं तो ये मुलायम हो जाएगा। ये हमने प्लेट में निकाल लिया है, अब इसे हम छोलनी की सहायता से ऐसे सीधा रख के ये काट लेते हैं। इससे आसानी से और अच्छा से कट जाता है। दूसरा भी इसी तरीके से काट लेंगे। हमने टमेटो सॉस डाल दिया है,
इसे टमेटो सॉस के साथ खाते हैं, काफ़ी टेस्टी और अच्छा लगता है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।